देखो आम जन में राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अब कुछ दिन पहले बड़ा ओछा बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भूखे भेड़िए की तरह व्यवहार करते हैं, राज्य और देश की संपदाओं को लूट रहे हैं। ऐसा ओछा बयान देना मुख्यमंत्री जी की आदत में है। लेकिन दो प्रकरण में आपको, जिसमें करीबन 3,500 करोड़ का घोटाला है, मीडिया के भी मैं जानकारी में देना चाहूँगा। ये राजस्थान के ये जो सरकार है इनकी निगरानी, इनके नीचे मुख्यमंत्री जी के नीचे, नाक के नीचे आईटी विभाग में करीबन 20-25 हजार करोड़ का घोटाला निकलेगा। 3,500 करोड़ के तो मैंने आपको आज प्रमाण दे दिए। ऐसे में माननीय अध्यक्ष जी की इजाज़त से 2-4-5 और पत्रकार वार्ता करूँगा। ये भर्ती घोटाला भी बहुत बड़ा है और आपको 15-20 हजार करोड़ तक का आईटी घोटाले का प्रमाण दे दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, वो कहते हैं कि मैं इन्हें ईडी को बहुत पत्र लिखे हैं, ईडी राजस्थान में नहीं आती। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, हम सरेआम, हमारे अध्यक्ष और राठौड़ साहब और मैं इस सरकार पर आरोप लगा रहे, केवल आप आईटी में ही ईडी बुला लो। ईडी नहीं बुलाना चाहते तो सीबीआई को दे दो। 15-20 हजार करोड़ रुपये का घोटाला निकलेगा और अधिकारियों के अलावा अगर ये आज मुख्यमंत्री जी तक नहीं चला जाए, जो पैसा राजस्थान से जा रहा है देश की कांग्रेस को पोषित करने के लिए वो नहीं निकला है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।